हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स और स्पेशली फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं, जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन और सैलरी पर पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपको और सारे बहुत बड़ी आपकी राहत मिल सकती है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से। और अगर चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली बड़ी खबर आ रही है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि चिकित्सा मेडिकल भत्ता, वो भी 1000 रुपये प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से उनको मिलता है। तो ऐसे में जो भी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स नॉन CGHS एरियाज़ में, या बोल सकते हैं कि CGHS कवर्ड एरियाज़ में नहीं रहते हैं, वहाँ पर उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसे में अब जो 1000 रुपये मिलता है, उसमें जो है बहुत सारे पेंशनर्स ने सरकार को ग्रीवियांस डाली थी, बहुत सारे पेंशनर्स ने रिप्रेजेंटेशन डाली थी इन सभी के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ अभी एक बैठक हुई थी बड़ी, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशंस ने सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि सर जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी की जाए। कितनी की जाए तो उस लेटर में लिखा था कि 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको जो OPD मेडिसिन का खर्च वगैरह है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके बाद एक बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पॉजिटिव बोल सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव से लिया गया है इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आंसर आया है, जवाब आया है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर। बड़ा जवाब यह है कि उन्होंने बोला है कि मैटर ये पूरा जो है अंडर कंसिडरेशन है और जल्द इस पर कोई बड़ी जो है एक्शन लिया जा सकता है, वो जल्द कोई ना कोई बड़ी राहत प्रोवाइड कराई जा सकती है। क्योंकि वाकई में 1000 रुपये OPD मेडिसिन के खर्चे के रूप में जो मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि OPD मेडिसिन वगैरह में बहुत ज़्यादा जो खर्चे हो रहे हैं ड्यू टू जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बढ़ रही दिन पर दिन। तो ऐसे में अगर 2000 रुपये भी हो जाते हैं या 3000 रुपये तक भी बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स आने की उम्मीद है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कम से कम कितने रुपये बढ़ोतरी आपको लगता है कि होनी चाहिए, या कितनी हो, कितना इसमें, या फिर आपको लगता है कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज संभव है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा रहा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।